तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले ये जानिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन। अब आपको बता दूं कि ये प्रश्न, ये तो 2024 वाला संस्करण है, लेकिन जो पिछला संस्करण था वहां से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और उसका आंसर आप लोगों ने निश्चित किया होगा। वो प्रश्न हमने आपको बताया था, पिछले तीन संस्करण से इस तरह की जानकारी हम आपको देते आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें इसके बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बन भी सकते हैं, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई थी और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना, यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। आगे हमने यहाँ पर यह लिखा है कि इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया 2024 पुरस्कार के लिए, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। 2024 की अगर हम बात करें तो 19 बच्चों का चयन किया गया। आगे हमने लिखा कि इन 19 बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं, जो कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से थे, ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो आपको बता दूं, यह पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन, जो कि ये वर्ग आपको ध्यान रखना है, कला और संस्कृति के लिए इनका चयन हुआ। तो इस सूची में अगर हम देखें तो बिहार के एकमात्र बालक इसमें शामिल है जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन। इन्हें अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि ये सभी को, यानी इन सभी बच्चों को भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव के मतलब कला उत्सव में शामिल किया गया। ये विजेता जो भी है, इसमें जो भी बच्चे शामिल, उन सभी को आमंत्रण मिला है। तो ये भी यहाँ पर मिलते जुलते फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये रही बात यहाँ से संबंधित, हालांकि ये कंप्लीट सूची हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य, जो यहाँ पर हमने चर्चा किया है कुल मिला के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है। हालांकि बिहार से एकमात्र है जो नाम है मोहम्मद हुसैन। आप यहाँ पर ये कंप्लीट सूची देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखा। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो आदित्य विजय ब्राह्मणे उत्तर प्रदेश से अनुष्का पाठक, पश्चिम बंगाल से अरिजीत बनर्जी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, देखिए बिहार वाला ये है जो कि मोहम्मद हुसैन, इनसे मतलब कि मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त और भी कई सारे राज्य हैं जहां से चुने गए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, 2024 वाला ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको एक अहम जानकारी दे दूं, खास करके वैसे छात्र छात्राओं को जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम को देखते हुए टेस्ट सीरीज संचालित है आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर। इस वाले कोर्स में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 130 टेस्ट पेपर इसमें आपको मिलेंगे इस कोर्स में। इस 130 टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर में बात करें तो 40 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, 90 आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, 90+, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो आप पढ़ेंगे, जो भी पोर्शन आपका कमजोर होगा वो आपका मजबूत होगा। एक तो बड़ी बात यहाँ पर है, किसी भी एग्जाम को लेकर टेस्ट सीरीज अगर आप देंगे, मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, तो वो आपकी तैयारी का आकलन करता है, आप ये समझ पाते हैं कि तैयारी का स्तर आपका क्या है और समय रहते उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, उसे आप बेहतर बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और इसमें एक चीज हम लोग नया चेंज भी किए हैं, पहले ये था कि सिर्फ आप एप्लीकेशन पे टेस्ट को दे सकते थे, तो बहुत लोग शिकायत करते थे कि सर मोबाइल में टेस्ट देना थोड़ा दिक्कत हो जाता, आँख दर्द देने लगता। तो अब हम लोग ये ऐसा मतलब सिस्टम लेकर आए हैं कि आप लैपटॉप कंप्यूटर आदि पर भी टेस्ट दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी सुविधा आपको मिलने वाला है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इसे ज्वाइन करना, इस वाले कोर्स को परचेज करेंगे तो तमाम चीजें जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का पैकेज और सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जेके, प्रीवियस ईयर पेपर आदि सभी चीजें इसमें सम्मिलित है, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, पहला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न में भी आपको ध्यान रखना, स्टार लगाना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है इस वर्ष 2024 में, वो दिया गया मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की, अच्छा यहाँ पर देखिए,
ये जो यहाँ पर हमने लिखा है ये गलत लिखा है, आप लोग सुधार कर लेंगे, ये विकल्प नंबर सी होगा, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दो इसके बारे में कि हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस मनाया गया। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, और इस मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, और उद्योग मंत्री जो कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री है समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया। ये आपको ध्यान रखना है, उद्योग मंत्री जो बिहार के इस समय है समीर कुमार महासेठ, 12 क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले जो भी बिहार के स्टार्टअप है उसको सम्मानित किया। अब जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देख लेना है। देखिए सबसे पहला पुरस्कार जो मिला, देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टार्टअप ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला, स्टार्टअप ऑफ द ईयर का जो पहला पुरस्कार मिला वो आपको ध्यान रखना मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र का, मतलब ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके संस्थापक है नीरज कुमार झा, ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर वेद प्रभा एरो स्पेस लिमिटेड जो कि कृषि ड्रोन बनाती है, इसके संस्थापक मनीष दीक्षित है, ये दूसरे स्थान पर रहा। उसी प्रकार से तीसरे स्थान पर रहा ब्यूरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है जो कि संस्थापक है रजनीश कुमार। तो ये टॉप थ्री में शामिल, जो कि स्टार्टअप ऑफ द ईयर की बात करें तो ये टॉप थ्री में शामिल बिहार के प्रमुख स्टार्टअप। लेकिन अगर हम बात करें अन्य वर्गों में या फिर विभिन्न वर्गों में कैटेगरी वाइज अगर हम इसे देखें तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो कृषि कैटेगरी में एग्रिक्स एग्रोटेक पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान की हम बात करें, दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी कैटेगरी में गोद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे, मतलब इसमें पहले स्थान पर रहा सूचना प्रौद्योगिकी कैटेगरी में। अगली हमारी कैटेगरी है ई कॉमर्स, तो इस कैटेगरी में फ्लोशिप जो है पहले स्थान पर रहा। ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव यह पहले स्थान पर रहा। उसी प्रकार से एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार जो मिला ये ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक आस्था सिंह, इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो तमाम चीजों का जिक्र हमने इस स्लाइड में कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। संबंधित तथ्यों की जानकारी ध्यान रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट ये मतलब पुरस्कार है जो अवार्ड दिया गया है या फिर चुना गया है उस उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है कि बिहार के उद्योग मंत्री इस समय कौन है। तो इस समय समीर कुमार महासेठ है, उससे पहले यानी इससे पहले जो बिहार के उद्योग मंत्री थे वो सैयद सरवाज हुसैन थे। तो ये तमाम चीजें जो भी हम आपको स्लाइड में बतलाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार होता है कि आप ये अवार्ड पे ध्यान रखते हैं और ये भी ध्यान रख लिए लेकिन आप ये भूल गए कि कितने क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये छोटा सा पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तमाम चीज ध्यान रखिए, ये 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर ये अधिवेशन भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम था जहां पर ये सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं बिहार के उद्योग और व्यापार की तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था, एक्सपोर्ट इंडेक्स जो कि नीति आयोग की तरफ से जारी किया था, कल भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर पुनः थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं चूंकि उद्योग व्यापार की चर्चा हुई है, तो नीति आयोग की तरफ से जो एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया इसमें बिहार को देश भर में 22वां स्थान मिला। अच्छा अगर हम बात करें जो देश से निर्यात हो रहा है बिहार की जो भागीदारी है वो महज 0.52% है, ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। जिलों की कैटेगरी में निर्यात में बेगूसराय इस वक्त सबसे आगे है। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहां से ध्यान रखिए, कल भी हमने आपको बताया था, यहां पर पुनः आप देख लें तो रिवीजन एक प्रकार से हो गया।